ट्रेलर में भी आप देखोगे कि तीन चार जो ऑफिसर्स हैं पुलिस वाले हैं हाँ। वो पुलिस वाले एटीएस के वहाँ पे ओके okay. उन्होंने आके मुझे बोला कि दे वेरी बिग फैंस उनको काम करना चाहते हैं तो उन्होंने एटीएस से परमिशन ली लेटर वेटर दिया कि ये चालीस दिन हम जाया करेंगे शूटिंग पे दे टू तो कम शूट सुबह से लेकर शाम तक आई थ्रू आउट द फिल्म है तो ये असली रियल लोकेशन पे ही शूट किया है आई थिंक पूरी फिल्म रियल इट इट इन लखनऊ लखनऊ Uh, the main location was between Lucknow and Rairberali. सिर्फ़ so, तकलीफ़ यही थी कि दो घंटा रोज़ जाना पड़ता था, दो घंटा रोज़ जाना पड़ता था। But you have to do for 40 days mm -hmm. continuously. Mm -hmm. It gets very tiring. Please tell us when you got this movie. You know how how did it all happen? Raid और वापस से अजय देवगन के साथ and Rajkumar Gupta this time. You know honestly शुरुआत यहीं पे हुआ था. We we just started promoting our previous film that we did together. And Ajay told me about this film. He said you know बहुत interesting film है. So script, was, uh, कि <clears throat> कुछ ऐसी फिल्में होती है जिसके साथ एसोसिएट करना बहुत yeah. uh, अच्छा रहेगा ये ऐसी है. Hmm. So और ये, ये सोच के मत सुनना कि

कितना आसान हो जाता है या डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑलरेडी बिकॉजी क्या होता है मुश्किल हो जाता है ये ये जो कहानी और ये जो आ, सुना था हम लोगों ने ये काफ़ी साल पहले सुना था बट फिर उसको दो घंटे के स्क्रीन प्ले में पिरोना रोना हाँ. कई बार मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको ड्रामेटाइज करना पड़ता है और आप इतना भी ड्रामेटाइज नहीं कर सकते कि आप रियलिज्म छोड़ दें तो वो जो बीच का रास्ता पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और अगर ड्रामेटाइज नहीं करें तो फिर वही कहानी बोरिंग हो सकती है सो आई थिंक रितेश रितेश द फिल्म और बहुत ही कमाल का काम रितेश ने किया बट ही ये असली रियल लोकेशन पर ही शूट किया जाए थिंक पूरी फिल्म लखनऊ द मेन लोकेशन वॉज बिटवी लखनऊ एंड रायबरेली सर तकलीफ यही थी कि दो घंटा रोज जाना पड़ता था और दो घंटा रोज जाना पड़ता था इट वीफ टू डू फॉर फोर्टी डेज कंटिन्यूसली इट इज वेरी टायरिंग बट जो जो मेन हवेली थी आई थिंक हाँ, वो हाँ वो बहुत ही जो एटीज की दिखा रही थी बहुत ही रियल और बहुत ही बहुत ही खूबसूरत पुरानी हवेली थी सो वी हैव टू शूट देयर आई थिंक ये भी क्रेडिट आप लोग को जाएगा कि असली लोग के साथ वो एक्टिंग करना और उनमें घुल मिल जाना ट्रेलर में भी आप देखोगे कि तीन चार जो ऑफिसर्स हैं पुलिस वाले हैं हाँ? पुलिस वाले

जब हम बात करें कि रिलेशनशिप जो है वो बहुत रियल है हाँ. जो रोमांस है एक हस्बैंड वाइफ का रोमांस कैसे होता है बहुत रियल है तो हाउ डू यू कन्वे दैट रोमांस आई थिंक ये दो गाने दोनों ऐसे हैं हुँ. कि जिसमें आप बैकग्राउंड में भी चला दो तो यू you नो know, एक ये थॉट कन्वे कर देते हैं ओके वैनिटी okay, में अगर एक दूसरे की रेट डालेंगे है ना हाँ. तो अजय देवगन की वैनिटी सब में क्या निकलेगा कॉफी बहुत सारा कॉफ़ी हाँ. हाँ? और उधर ऐसे में इनको भी कॉफ़ी मिंट मिंट दोनों अभी भी कहीं होगा कहीं नहीं